सुरक्षा बलों ने कश्मीर संभाग के जिला बारामूला के रफीफाबाद के शूतलू इलाके में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। धारा 370 हटने के बाद नापाक पाकिस्तान झल्लाया हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए पाकिस्तान आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में जुटा रहता है। इसी क्रम में आज पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमा पार से गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में प्रदेश प्रशासन ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पीएसए को समाप्त कर दिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया गया। इस बीच नजरबंदी खत्म होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आज आजाद हूँ। अब मैं दिल्ली जाऊंगा और संसद में उपस्थित रहूंगा और आप सभी से बात करूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं राज्य के लोगों और बाकी नेताओं और देश के बाकी हिस्से के लोगों का आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी रिहाई के लिए बात की। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सभी को रिहा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में मौसम के बदलते मिजाज की मार शुक्रवार को भी जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ी। उधमपुर जिले के खैरी के अलावा रामबन व बनिहाल के बीच कई हिस्सों में पत्थर गिरने से राजमार्ग पर आवाजाही रोक दी गई है। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों पर बर्फबारी भी हुई है। जम्मू से अमृतसर की तरफ जा रही बस गुरदासपुर में धारीवाल के खुंडा बाईपास पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 18 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए लाए गए 18 लोगों में से 9 को अमृतसर रेफर कर दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे और तीसरे वनडे मुकाबले को रद्द कर दिया गया है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सुबह लोअर सर्किट लगने के कारण बाजार के खुलते ही ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। 45 मिनट की रुकावट के बाद बाजार खुला और हालत सुधरती नजर आई। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1325.34 अंक यानी 4.04% की बढ़त के बाद 34103.48 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 433.50 अंक यानी 4.52% की बढ़त के बाद 10023.65 के स्तर पर बंद हुआ। एक दिन में सेंसेक्स ने 4715 अंकों की रिकवरी की। कोरोना वायरस से देश में पैदा हुए हालात के बीच मोदी कैबिनेट ने केंद्र कर्मचारियों को खुशी दी है। शुक्रवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने केंद्र कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक के लिए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क देशों का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, इस वायरस से लड़ने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई जाए, इससे हम दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि सार्क देशों के नेतृत्व ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई जाए। हमारे नागरिकों को स्वस्थ रखने के तरीके के बारे में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा में शामिल होने के 2 दिन बाद राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है। सिंधिया के पर्चा दाखिल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद प्रताप झा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मौजूद रहे।